हेलो गैस, कैसे हैं आप लोग। मनी ऑटो टेक्निकल में स्वागत है आपका। ये गाड़ी वैगनार के सीरीज है, इसमें जो है चेक लाइट आ रहा है और गाड़ी चलने में पिकअप में दब रहा है और इसमें हल्का मिसिंग भी है और पिकअप में भी दबता है। तो पहले हम इसको स्कैन करके देख लेते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है। स्कैन करके देख लेते एक बार। इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, इसमें जो है फोल्ड है वो मैप सेंसर का आ रहा है। एक बार इसकी हम वायरिंग चेक कर लेते हैं, उसके बाद में आपको बताते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसमें जो प्रॉब्लम है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे किसी ने काम किया था, जो इंटेक मैनिफोल्ड में सेंसर लगा हुआ रहता है उसका वायरिंग निकला हुआ है। ये आप देख पा रहे होंगे, तो वायरिंग का कलर वगैरह भी आप देख पा रहे होंगे। इसका जो वायरिंग है वो निकला हुआ था, किसी ने काम किया तो मतलब बराबर से सॉकेट को प्रेस नहीं किया, नहीं प्रेस करने की वजह से ये बता रहा है। अभी हम इसको लगा के फिर एक बार स्कैन करके कोड को क्लियर करके देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है। एक बार पहले तो इसको प्रेस कर लेते सही से। अब देख सकते हैं अब ये बैठ गया है, लॉक हो गया, अब ये नहीं निकलेगा सॉकेट। ये वापस एक बार स्कैन कर लेते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो आप देख पा रहे होंगे पहले कोड करंट में बता रहा था, अभी ये हिस्ट्री हो गया। एक बार इसको क्लियर करके स्टार्ट करके देखते हैं क्लियर होता है या नहीं। पहले क्लियर कर लेते हैं उसको। ये क्लियर हो चुका है, एक बार स्टार्ट करके देख लेते हैं चेक लाइट जा रहा है या नहीं जा रहा है। इसमें चेक लाइट भी चली गई और हमारी गाड़ी पहले मिसिंग करती थी हल्का, वो मिसिंग भी अब नहीं है इसके अंदर। अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।